ब्रेक काम नहीं किया और पीछे की तरफ लुढ़क गया गंगा में। उसी में एक आदमी को निकल गया है, एक आदमी शायद उसी में डूब गया। पटना से भी बड़ी खबर आ रही है कि आपको बता दें कि दीघा के जनार्दन घाट पे हो गई है बड़ी घटना। आपको बताते चलें कि जनार्दन घाट पर नगर निगम के 407 गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे, चालक और खलासी दोनों की ब्रेक न लगने के कारण 407 चली गई है गंगा में, जो कि एक आदमी को जो अथी खलासी थे उन्हें आम लोगों की सहायता की मदद से उन्हें निकाल लिया गया है और अभी तक चालक की कोई खोजबीन हो पा रही है लेकिन अभी तक उन्हें चालक मिल नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि मौके पर दीघा थाना की पुलिस मौजूद है, NDRF SDRF की टीम को भी बुलाया गया है और चालक को पुलिस और NDRF SDRF ढूंढ रही है। और इसी पर थाना प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखें। क्या घटना घटी है कि एक पिकअप वैन गंगा में डूबने की खबर है? पानी भरने के लिए जो मशीन लगाया गया था उसको निकालने के लिए नगर निगम की एक गाड़ी आई थी, उसी से शायद खींच रहा था, लोग यथा ड्राइवर बताया, खींचने के क्रम में ब्रेक काम नहीं किया और पीछे की तरफ लुढ़क गया गंगा में। उसी में एक आदमी को निकल गया है, एक आदमी शायद उसी में डूब गया। 407 गाड़ी थी? हाँ, NDRF SDRF की टीम आ रही है, गोदखपुर को बुलाया गया है, उसको निकलवाया गया है।